दोस्तों राजस्थान में तीन दिनों से चल रहे सियासी संग्राम का अंत होता हुआ अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है और इसी संग्राम को लेकर के अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जिसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। आप सभी को पता है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में जो दिग्गज नेता हैं अशोक गहलोत जो सीएम हैं और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच कहीं ना कहीं दो फाड़ हो गए हैं, जिसकी वजह से वहां की सरकार अब गिरने की कगार पर आ गई है। लेकिन इसी से जुड़ी हुई सात बड़ी अपडेट आ रही हैं जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी लगता है कि राजस्थान मध्य प्रदेश कर्नाटक जैसी राजनीति हमारे देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो पहली बड़ी अपडेट वो ये है कि विधायक दल की बैठक जो 10 बजे होनी थी वो बताया जा रहा है कि 11 बजे शुरू हो सकती है। साथ ही साथ जो दूसरी बड़ी अपडेट है वो ये है कि एक और कांग्रेसी एमएलए अब कांग्रेसी गहलोत खेमे में वापस आ गई है, जिसके बाद अब लगातार अशोक गहलोत खेमा मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो तीसरी बड़ी खबर है, निर्दलीय विधायक भी अब खुले तौर पर गहलोत खेमे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। खबरों के मुताबिक 10 निर्दलीय एमएलए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो विधायक हैं वो जो है अशोक गहलोत खेमे को अपना समर्थन देने की बात कह रहे हैं। जो चौथी बड़ी अपडेट है, सचिन पायलट ने फिर से एक बार बैठक में आने से इनकार कर दिया है और जो बात चल रही थी प्रियंका गांधी वाड्रा की जयपुर आने की, तो बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जयपुर नहीं आ रही हैं। इसके अगली अपडेट वो ये है कि अब राजस्थान में फ्लोर टेस्ट की तरफ पूरी सियासत बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि अब बीजेपी और ज्यादा आवाज उठाने की कोशिश कर रही है कि वहां पर जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट कराया जाए, लेकिन जब तक सचिन पायलट लिखित में अपना समर्थन वापस नहीं लेते हैं तब तक फ्लोर टेस्ट होना अभी तक मुश्किल दिखाई दे रहा है। वहीं मैं आपको बता देता हूं गहलोत खेमे में पूर्ण बहुमत की संख्या भर के एमएलए हैं, इस बात की फिर से एक बार पुष्टि कर दी गई है, क्योंकि सचिन पायलट ने कहा था कि गहलोत के पास सिर्फ 84 विधायक हैं, जबकि खबर आ रही है कि 109 विधायक गहलोत खेमे में हैं जो कि होटल में अभी रुके हुए हैं। तो अगली बड़ी खबर वो ये है कि सचिन खेमे का दावा है कि 19 कांग्रेसी एमएलए उनके साथ हैं और 3 निर्दलीय विधायकों ने उनका समर्थन किया है, जिसके बाद अब अशोक गहलोत खेमे और सचिन पायलट खेमे के जितने भी विधायक हैं इसमें अभी भी कंफ्यूजन है कि किधर मेजोरिटी यानी कि दिखाई दे रही है। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि मेरे पास मेजोरिटी है और सचिन पायलट कह रहे हैं कि उनके पास नहीं है। ऐसे में अब बीजेपी ने फिर से एक बार मांग कर दी है कि वहां पर फ्लो टेस्ट होना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इससे जुड़ी जो भी अपडेट आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं कुछ और खबरों के।